बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं मोहम्मद नमान कयूम, तुसी देखते पे हो गंधारा हिंदको टीवी। आज दी ताज़ा खबर, सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने किया वे कि पाकिस्तान ने ना सिर्फ दहशतगर्दी का कामयाबी नाल मुकाबला किया वे ते इनू शिकस्त दी है, बल्कि इस्लाम ते दहशतगर्दी की गलत तशरीह नू भी गलत साबित किया वे। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने पाकिस्तान उलमाए कौंसल के जेरे तमाम चौथी पैगाम इस्लाम कॉन्फ्रेंस की खिताब करते हुए किया। कॉन्फ्रेंस का आगाज इमाम काबा शेख डॉक्टर अब्दुल्ला आवाद अल जुहानी ने तिलावत कलाम पाक नाल किया। सदर आरिफ अलवी ने किया वे कि इस्लाम का पैगाम हमदर्दी ते मुसावात दावे, कश्मीर ते फलस्तीन दोनों एक दिन आजाद हो सुन, क्योंकि किसी भी कम्युनिटी की आवाज नु ताकत के जरिए दबाया नहीं जा सकता। मुल्की मईशत शदीद महंगाई वाल जांदी पई है। जुलाई का मार्च माली साल 2019 महंगाई की शरह 6.8% होने का इम्कान है, जबकि स्टेट बैंक ने अपनी रिपोर्ट किया आया कि माली साल 2019 महंगाई की शरह 7.5% से बरकरार रहसी। महंगाई की 8% शरह काबले बर्दाश्त रहसी अगर हुकूमत रास्त इकदाम करे तो काबले अमल पॉलिसियां बढ़ावे। भारतीय हुकुमरान जमात भारतीय जनता पार्टी के रहनुमा राजा सिंह ने यौमे पाकिस्तान ते ISPR की तरफ से रिलीज करदा नगमा चोरी कर लिता वे, जिससे उन्होंने शदीद तनकीद का सामना वे। BJP रहनुमा ने इंतखाबात वोटरों की तवज्जो हासिल करने वास्ते एक नगमा रिलीज किया वे, जेरा ISPR के नगमे की कापी है। नेपाल के एयरपोर्ट से छोटा जहाज रूट के नाल ही रनवे के कोल खलोते हुए दो हैलीकॉप्टर नाल टकरा गया, जिसके नतीजे त्रै अफराद हलाक ते त्रै जख्मी हो गए। जहाज का हादसा नेपाल के माउंट एवरेस्ट पहाड़ी सिलसिले वाकिया एयरपोर्ट से पेश आया, जिसनों जहाजा के उड़ने ते लैंडिंग के एतबार न दुनिया का खतरनाक तरीन एयरपोर्ट करार दिता जाता है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने पिशोर शहर के बुनियादी मराकज सेहत के छोटे अस्पतालों तिब्बी सहूलियात से आरास्ता करने की हिदायत की है, ताकि शहरियों बुनियादी सहूलियात की फराहमी इन्होंने दहलीज से मुयसर हो सके। उन्होंने किया वे कि तिब्बी मराकज शहरियों सेहत के सिलसिले खिदमात फराहम करने वाली पहली पौड़ियां हूं, लिहाजा इन्होंने ज्यादा फालियत बुनियादी हेल्थ केयर वैसे इंतहाई जरूरी है। गंधारा हिंदको बोर्ड दे रहे तमाम हिंदको जुबान के अजीम सूफी शायर अहमद अली साईं की 82वीं बरसी के हवाले नाल एक तकरीब गंधारा हिंदको अकैडमी मुनक्किद हुई। तकरीब विच अहमद अली साईं की कमो बेश 1000 हरफियां ते मुश्तमिल अली अवैस ख्याल की मायानास तहकीकी काविज गंजीना साईं की किताब की रुनमाई भी की गई। तकरीब की सदारत इकबाल अली अखुनजादा ने की, जबकि मेहमान खसूसी सैयद सईद गिलानी है। तकरीब विच गंधारा हिंदको बोर्ड के वाइस चेयरमैन डॉक्टर सलाहुद्दीन, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद जियाउद्दीन, गंधारा इनको बोर्ड के एग्जीक्यूटिव मेंबरान समेत मुख्तलिफ मकातिब फिक्र नाल ताल्लुक रखने वाले खवातीन व हजरात ने कसीर तादाद शिरकत की थी। गंधारा इनको बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद जियाउद्दीन ने किया कि अहमद अली साईं का कलाम आफाकी हैसियत का हामिल है, तो इससे हर बंदा फैज हासिल कर सकता है। अहमद अली साईं हिंदको जुबान के सूफी शायर है, तो शायर मशरक हजरत अलामा इकबाल ने अहमद अली साईं गालिब हिंदको का खिताब दिताया। उन्होंने कहा कि गंधारा हिंदको बोर्ड ने अहमद अली साईं के कलाम ना सिर्फ इकट्ठा किया बल्कि इसनों किताबी सूरत भी दी है। तकरीब मौजूद दीगर शुरका ने हजरत अहमद अली साईं मंजूर और मंसूर खिराज तहसीन पेश किया। दौरे जनूबी अफ्रीका वास्ते 15 रुकनी कौमी तरीमता क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया गया, जबकि बिस्मा मारूफ कप्तान की जिम्मेदारी अदा कर सुन। नेशनल स्टेडियम कराची तरीमता की सिलेक्शन कमेटी की चेयरपर्सन अरूज मुमताज के हेड कोच मार्क कोल्स ने कप्तान बिस्मा मारूफ नाल मशावरत ते बोर्ड की मंजूरी के बाद स्क्वाड का ऐलान किया। 2015 रिलीज रोमांटिक कॉमेडी फिल्म रंग नंबर सीरीज की दूसरी फिल्म रंग नंबर 2 का टीजर जारी कर दिया गया है। टीजर नु देख के कहानी का अंदाजा करना तो मुश्किल है, बड़े इस बार भी यासिर नवाज ने फिल्म में कॉमेडी का तड़का लगाया है, जेरा यकीनन लोगों नु बड़ा पसंद आ सी। फिल्म दे सीक्वल इज पहली फिल्म हार अदाकार जावेद शेख अहम किरदार निभांदे नजर आ सुन। बड़े इस बार मरकजी अदाकारावच दानिश तैमूर ते सोहाए अली आबरू दी जगह नीलम मुनीर ते समी खान दी फ्रेश जोड़ी नु कास्ट किया गया है।
इसी घर की है। वो इतने कमरे किधर है? My body is my temple, you know. गड़बड़ जो करेगा उलझेगा, सर पे जो पड़ेगी सुधरेगा। जद के दीगर कार से यासिर नवाज, इनाद पिरात, दानिश नवाज, सना फखर, नैयर एजाज, शफकत चीमा ते महमूद असलम शामिल हूँ। रंग नंबर टू दी हिदायत यासिर नवाज ने दी थी हूँ, ते हसन जिया ने इसनु प्रोड्यूस की था। सबके सारे मसले देखो, रोती शक्लें हंस के देखो। भैया ही भैया का दुश्मन है, तो कभी जानी दुश्मन भी भाई है। रखता है सब जो था पैसे का, उसी का बेटा अब तेरा जमाई है। इस दिन आ लिया, इस दिन खबरां खत्म हो गया, नवी खबरां नाल बात हाजिर हो सिया। अल्लाह हाफिज। आओ इनको सीखने हैं। ये गेम एंड्रॉइड प्ले स्टोर से आसानी डाउनलोड की जा सकती है। प्ले स्टोर सर्च बार से किड्स इनको लर्नर इंस्टॉल करो, तो आपने बच्चे इनको सिखाओगे।